हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। तो थोड़ा सा बच्चों का वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में बच्चों, मैं आपको कराने वाला हूं कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट पे यस लिख दो बेटा। अगर आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट पे यस लिख दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, हमारा अभी जो है रिवीजन चल रही है, तो जिस वजह से मैं आपको एक क्लास में पूरा चैप्टर कराने वाला हूं आज, ठीक है। जैसे मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कराया था, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने आपको दे रखे हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर मेरा जो है क्या कहते हैं ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो जो भी, ठीक है, आपको लिंक मिलता है आप उसको ओपन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक थोड़ा सा जल्दी रहेगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बच्चों स्टार्ट करें, रेडी हैं सारे तो एक बार जल्दी से चैट पे यस लिख दो बेटा। अगर रेडी हो आप सारे तो एक बार जल्दी से चैट पे यस लिख दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्लियर। चलो तो देखो, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी तक जो एलिमेंट है हमारे, वो देखो, तो ये बच्चों हमारा 118 है, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी तक हमारे जो एलिमेंट है, मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को अगर क्लासिफाई करूं तो किस तरीके से करते हैं, जैसे बच्चों हम मेटल्स में करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एलिमेंट होते हैं, तो देखो जैसे हमारा कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, एलिमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं किसमें, तीन फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, क्लियर, इतना क्लियर है सबको। ऐसे ही बच्चों हम कंपाउंड को आगे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड सॉल्ट्स, क्लियर, ठीक है। तो जैसे हमने एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, ऐसे ही बच्चों हम जो कंपाउंड्स हैं उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं तो वो तीन तरह के हैं, ठीक है। कौन कौन सा है वो, ठीक है, एसिड, बेस और सॉल्ट, इसी में हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। चलो तो ये तो पता चल गया आपको। तो चलो जल्दी जल्दी से अब, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं पूरा टॉपिक हम। तो अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर है एट द प्रेजेंट टाइम, एंड दीज एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये 118 एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, क्लियर। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी ऑल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हमने इनको क्या करा है बच्चों, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्या क्या, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद देखो अगला नेक्स्ट है बच्चों, अब हमारा इंडिकेटर्स। अब देखो यार, कोई भी चीज मैं बोलता हूं कि भाई ये वाली चीज एसिड है, तो कोई भी चीज एसिड है तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि मतलब पता कैसे चलेगा। अब जैसे मान लो यार मेरे पास एक लिक्विड पड़ा है, अब उस लिक्विड को मुझे बोलना है कि वो एसिड है, तो वहां पर क्या चीज हम यूज कर सकते हैं, तो वहां पर बच्चों कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स हमारी ये हेल्प करते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इंडिकेटर हमारे तीन तरह के हैं सिलेबस में, ठीक है, मेन लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, और भी होते हैं, टर्मेरिक भी होता है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो।
तो इनके कलर्स आपको ध्यान रखने हैं। लिटमस आपको पता है लिटमस कैसे चेंज होता है, ये आपका देखो अगर कोई एसिड है, अगर कोई एसिड है तो लिटमस क्या होगा, वहां पर लिटमस जो है अगर कोई एसिड होगा तो वहां पर लिटमस जो होगा वो कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों, ब्लू से ब्लू टू रेड, और बेस में इसका उल्टा कर देना, बेस में क्या होगा बच्चों ये आपका रेड टू ब्लू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको इंडिकेटर्स में लिटमस में इतनी, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, तो आप देख सकते हो यहां पे आपने क्या करा, ये एसिड था तो हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला, यहां पे क्या था बेटा इसका कलर ब्लू था, ठीक है, तो ब्लू कलर था और ये किसमें हो गया रेड में, यहां पर कैसा कलर था इसका बच्चों रेड और ये किसमें कन्वर्ट हो गया ब्लू में, यहां देखो ये रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्लियर समझ आ रहा है तो चैट में यस भी लिखते चलो। नेक्स्ट उसके बाद कहता है फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। अब देखो लिटमस जो है बच्चों वो है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है क्या वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, और ये कैसा है सिंथेटिक है। कभी कभी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई आपको बताना है एक एग्जाम्पल दो किसका नेचुरल इंडिकेटर का, ठीक है, और एक आपको जो है बताना है सिंथेटिक इंडिकेटर, तो देखो कौन सा होगा तो वो बता देना है। तो देखो इन एसिडिक सॉल्यूशन, अब इसमें फिनोप्थिलीन में क्या ध्यान देना है कि ये कलरलेस रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक हो जाता है, तो आप यहां पे देख सकते हो इसके कलर में ये एसिड था, ठीक है, तो इसमें हमने फिनोप्थिलीन डाला तो इसमें क्या हो गया ये चेंज आ गया और ये क्लियर। तो आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट इसके बाद देखो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसा होता है, ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है, इसके कलर में क्या ध्यान रखना है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों रेड होता है और ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा येलो होगा, ठीक है, सिंपल एकदम। मजा आ रहा है नहीं आ रहा तो चैट पे यस भी लिखते चलो। और बच्चों आपको मैंने, ठीक है, जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं जैसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इस पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, इस पे टाइम टू टाइम जो है क्लास की इंफॉर्मेशन आती रहती है। नेक्स्ट इसके बाद देखो ये चेंज आप देख सकते हो मिथाइल ऑरेंज में, अल्कली में येलो हो गया, एसिड में कैसा हो गया ये ऑरेंज रेड, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्यूरिक, टर्म्यूरिक भी बच्चों एक इंडिकेटर है जिसमें क्या होता है ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से देखो बेस में ही अपने कलर को चेंज करती है बट ये एसिड में अपने कलर को चेंज नहीं करती है, क्लियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेस में कैसा कलर हो गया इसका रेडिश, ठीक है, या रेड ऑरेंज बोल सकते हो आप। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों क्या आता है, इसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, किससे रिलेटेड है बेटा, ये सेंस से रिलेटेड है। अब देखो यार इंडिकेटर क्या चीज है, वहां पर कोई भी चेंज दिखना चाहिए, अब चाहे वो कलर में चेंज आ जाए चाहे वो स्मेल में चेंज आ जाए, कोई ना कोई चेंज वहां पे आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे स्मेल में चेंज आता है इस वजह से हम बोलते हैं कि ये अपना कैसा है, ये अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। जैसे अनियन, अनियन की जो स्मेल होती है बच्चों वो चेंज हो जाती है, ठीक है, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, और एसिडिक में नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है, ज्यादातर जो चेंज लाता है जैसे कलर में भी ज्यादातर जो चेंज ला रहा था वो बेस ही ला रहा था, तो बेस ज्यादातर चेंज लाता है, एसिड नहीं लाता ज्यादातर, मतलब याद रखने के लिए ऐसा, ठीक है। तो इसकी स्मेल में चेंज आता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, एसिड में नहीं आएगा। सेम वनीला में भी ऐसी होता है, तो आप यहां पे देख सकते हो इमेज के थ्रू मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। अनियन होगा, अनियन होगा तो उसमें क्या होगा, रिटेन स्मेल, ठीक है, उसकी स्मेल रहेगी एसिड, मतलब अनियन की जो स्मेल है वो एसिड में वैसी रहेगी और बेस में क्या होगा, ठीक है, लॉस करेगी। वनीला एक्सट्रैक्ट जो होगा ये क्या होगा, एसिड में वैसी स्मेल रहेगी, मतलब एसिड चेंज नहीं कर पाता, बेस चेंज कर देता है, क्लियर। तो इंडिकेटर यहां देख सकते हो आप ये जो, ठीक है, कैसे रो रही है, यहां पे देख रहे हो अनियन काट रही है और रो रही है, ठीक है, बेचारी कितना रो रही है, ऐसे लग रहा है पता नहीं भाई साहब कितना कितना खाना बना लिया हो इसने, ठीक है, फोटो खिंचवा रही है, खाना वाना कुछ नहीं बना रही। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद है एक्टिविटी 2.2, तो एक्टिविटी 2.2 में देखो क्या करना है हमें, ठीक है, एक्टिविटी देखो इसके ऊपर ही है, ठीक है, एक्टिविटी वैसे अगर आप देखोगे तो मैं आपको पूरे चैप्टर में बता चुका हूं। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इससे पहले बच्चों ये चैप्टर में पूरा ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। हाय प्रेरित मिश्रा, कैसे हो बेटा, शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ बेटा इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद कहता है टेक, ये आप एक्टिविटी देख सकते हो जो पीछे मैंने दिखाई थी, टेक सम फाइनली चॉप अनियन को ले लो प्लास्टिक बैग में अलोंग विद सम, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है। अनियन को कट कर लो, ठीक है, एक टिफिन में डाल लेना, प्लास्टिक कंटेनर होता है ना उसमें डालना, और उसमें कॉटन की क्लोथ डाल देना,
ठीक है, रात को उसको पैक करके डाल दो फ्रिज में, उसके बाद जब बाहर निकालोगे उसको सुबह, तो जो आपके कॉटन के जो कॉटन के जो पीसीज होंगे, ठीक है, चार पांच डाल देना, तो उसमें स्मेल आ जाएगी अनियन की। अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखना उसमें, ठीक है, अब वो जो कॉटन का जो पीस होगा वो एक तरह से इंडिकेटर की तरह काम करेगा, ठीक है, जो कॉटन क्लॉथ होगा यहां पर आपको क्या करना है, इस पर एसिड डाल के देखना है, फिर उसकी स्मेल करनी है, ठीक है, उस इसको स्मेल करना है, देखना है कि क्या इसमें अनियन की स्मेल अभी भी आ रही है, ठीक है। मतलब मान लो यार आपको दो सब्सटेंस दिए, एक टेस्ट ट्यूब में ए दिया और ए में एक में बी दिया, तो आपके टीचर ने बोला भाई एक में एसिड है और एक में बेस है, पहचानो कैसे, तो हम क्या करेंगे इसकी ड्रॉप्स इस पर डालेंगे कुछ, तो देखेंगे अगर स्मेल वैसी की वैसी है तो ये एसिड होगा, अगर चेंज होता है तो बेस होगा, सिंपल है, ठीक है। तो वही सब इसमें एक्टिविटी में बता रखा है, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, तो सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे, ये सब चीजें बता रखी है आपको, आपकी एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद कहता है कि भाई एसिड क्या है, ठीक है, अब हमने इंडिकेटर्स देख लिए, इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा जो है एसिड है या बेस है, इतना हमें बताता है कौन, इंडिकेटर। अब इसके बाद क्या होता है, अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसिड आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव सॉर टेस्ट, तो मतलब एसिड हमारे वो केमिकल सब्सटेंस है जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एंड चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड, और ये क्या करते हैं बच्चों, ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंगो, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टेमराइन, ठीक है, तो ये सब क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल है किसके, एसिड के। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, इसके बाद आता है एसिड प्रेजेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू अरियनस थ्योरी ऑफ एन एसिड ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट, मतलब अरियनस के अकॉर्डिंग क्या था, देखो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा अर्लियर कॉन्सेप्ट, ये इतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि अब यार किसी भी चीज को अगर हमें पहचानना है कि वो एसिड है तो हम उसको टेस्ट थोड़ी करेंगे बार बार, ठीक है, तो ये थ्योरी चली नहीं, तो अरियनस लेके आया, अरियनस कहता भाई मेरी थ्योरी सुनो, ठीक है, ये क्या तुम फालतू बकवास थ्योरी सुन रहे हो, मेरी थ्योरी सुनो एकदम मस्त बढ़िया एकदम, वो कहता भाई एसिड वो सब्सटेंस होगा कि जो क्या करे, ठीक है, जो क्या करे H प्लस आयन दे एकदम मस्त, ठीक है, और ये आयन जरूरी होता है, होना चाहिए एसिड के लिए, कहता है खामखा तुम क्या कर रहे हो, टेस्ट करके पहचान लो एसिड क्या है, मर भर जाओगे खामखा, और दिक्कत हो जाएगी, तो अरियनस ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया, बेचारा भला आदमी था जिसने हमें बताया, वरना तो लोग एसिड पी पी के मर जाते, ठीक है, तो आप देख सकते हो डिजोल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस H प्लस आयन, तो कहता है कि जब उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन देता है, फॉर एग्जाम्पल एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, तो कहता है जो एक्वस सोल्यूशन है HCl का, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक एसिड है तो ये क्या करेगा H प्लस आयन देगा, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट H प्लस आयन इन सोल्यूशन, ठीक है, तो कहता है हाइड्रोजन जो है सोल्यूशन में हम बोलते हैं कि वो H प्लस आयन देता है, लेकिन वो क्या होता है बच्चों, वॉटर के साथ कंबाइन होके क्या कर लेता है H3O प्लस आयन देगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये H3O प्लस आयन देता है, लेकिन हम जनरली मान के चलते हैं कि H प्लस और H3O प्लस एक ही है, बट है अलग अलग, इतना ध्यान रखना है। बोलो बच्चों समझ आ रहा है तो चैट पे यस लिखो, वीडियो को शेयर भी करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है, अब इस पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारा जैसे कि जैसे आपने देखा बोला कि भाई जिस सब्सटेंस जो सब्सटेंस H प्लस आयन देगा वो हमारा एसिड है, तो हम बोलते हैं कि भाई अल्कोहल और जो ग्लूकोज है, ठीक है, यहां पर बच्चों ध्यान दो, अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है, जैसे ये अपना ग्लूकोज है, ठीक है, और ये अपना अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये अपना अल्कोहल है, तो कहते हैं कि यार इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, यहां पर देखो 12 हाइड्रोजन है, यहां पर देखो ऑलमोस्ट 6 हाइड्रोजन है, तो कहते हैं यार ये हमारे एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ऐसा क्यों, वाय, बताएगा कोई बच्चा मुझे चैट पे, अगर कोई बच्चा बताना चाहे, ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारा जो भी यहां पर अल्कोहल और जो ग्लूकोज है ये H प्लस आयन रिलीज नहीं करते, ऐसा क्यों, बोलो बच्चों, तो देखो ऐसा इस वजह से होता है बच्चों, एसिड की जो कंडीशन है बच्चों वो क्या है, एसिड की कंडीशन ये है कि भाई मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद, जैसे हम HCl है, इसको एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जैसे हमने इसको पानी में डाला तो ये क्या करता है H प्लस आयन देता है, ठीक है, लेकिन वहीं मैं अल्कोहल और ग्लूकोज को अगर पानी में डिजोल्व करता हूं तो ये H प्लस आयन नहीं देगा, तो इस वजह से हम इसको एसिड नहीं बोलते, ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल और ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन भी है बट ये
एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एस प्लस आयन रिलीज नहीं करते, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है, आप इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो कह रहा है फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट कॉमन थिंग, ठीक है। तो कहता है कि कॉमन चीज जो है सभी एसिड में वो क्या है, इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो कहता है कि जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, नॉलेज बूस्टर में, ठीक है, आप यहां से भी क्वेश्चन बनता बच्चों, देखो कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। देखो सिंपल सी बात है यार, कोई भी चीज एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेगा, सोचो भाई, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि उसमें आयन्स होते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, एसिड अगर हमारा HCl है, तो अगर मैं इसको इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं तो ये क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, क्यों, क्योंकि इसमें आयन्स है एच प्लस सी एल माइनस आयन, इस वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वीआईपी पॉइंट है ये, वीआईपी, वीआईपी समझते हो ना, मेरी लैंग्वेज में वीआईपी कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ आ रहा है बच्चों, तो चैट पे यस लिख दो, मजा आ रहा है तो भाई अपने दोस्तों को बुलाओ, ठीक है, दोस्तों गर्लफ्रेंड रिश्तेदार सबको बुला लो और बताओ उन्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड रेन वॉटर, अच्छा यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, कहता है रेन वॉटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रीजन ऑफ दिस, ठीक है, रेन वॉटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि बेटा बारिश का जो पानी होता है ना H2O, ठीक है, वो जैसे ही हमारे एटमोस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, तो उसके साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है, और अभी हमने पढ़ा ये कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। इस वजह से कहते हैं ना बेटा पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्यों, ये कार्बोनिक एसिड आपकी स्किन पे पड़ जाता है, फिर आपकी स्किन कैसी हो जाएगी बेटा, स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, फिर वही आप अब बोलोगे, ठीक है, मेरी बाबू सोना को रैशेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ड्रामेबाजी तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपका जो भी बाबू सोना जादू टोना है उनको बोलना कि भाई पहली बारिश में ना नहाए, कंट्रोल कर ले थोड़ा सा, उसके बाद जब चार पांच बारिश हो जाए तो उसके बाद आराम से चलेंगे, ठीक है। चलो अभी अभी ध्यान देना, क्वेश्चन पे आ जाओ, सॉरी, ध्यान देना, यहां से ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से ये भी क्वेश्चन में आएगा और ये भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तो ध्यान दो। तो इसमें क्या कहता है बच्चों, ये कहता है यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एक्वस सॉल्यूशन जो है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, सेम रीजन, बिकॉज दे कंटेन आयंस, ठीक है। यहां से भी सेम क्वेश्चन बनेगा, रेन वॉटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, बिकॉज दे हैव आयंस, ठीक है, आयंस होते हैं, क्योंकि भाई H2CO3 क्या करेगा, आयंस रिलीज करेगा एच प्लस आयन, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, जहां वीआईपी लिख दिया ना उसको तो भाई साहब इंपॉर्टेंट समझ लो, पूरी दुनिया से ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाबू सोना को साइड करो, वीआईपी को, ठीक है, अपने पास बुलाओ। क्लियर बच्चों, आ गया समझ, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहता है, ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं आगे, अगला पॉइंट, तो यहां से बच्चों देखो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से एक एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ध्यान रखना, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, क्लियर, ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा बेटा, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से जरूर आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब भाई एसिड को तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिड को बच्चों अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स भाई कहां से मिला, अब जैसे भाई जो बच्चे कहते हैं यहां पर, ठीक है, अब सोर्स, अब जैसे बोलते हैं ना यार, कभी जैसे दोस्तों में क्या होता है, नई गर्लफ्रेंड बनती है तो हम क्या पूछते हैं, अरे कहां से मिली, कहां से मिली भाई तुझे इतनी ब्यूटीफुल लड़की, ठीक है, तो वो बताता है कि यार मैं ट्यूशन गया था नए नए, वहां मिली है, तो कहता चल तू भी चल मेरे साथ, तेरे को भी एक दिलाऊंगा, है ऐसी होता है ना। तो वही चीज है यहां पर एसिड में भी, कि भाई एसिड जो होगा हमारा, ठीक है, वो क्या होता है सोर्स, कि भाई कहां से मिला, जैसे आप हम पूछते हैं कि भाई तुझे गर्लफ्रेंड कहां से मिली, तो बताता है कि भाई ट्यूशन से मिली, स्कूल से मिली, पड़ोस से मिली, ठीक है, दोस्त की गर्लफ्रेंड थी पहले, फिर उसको मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, तो इस तरीके से चलता है ना तुम्हारे लोगों में के बीच में, ठीक है। सोनाक्षी जी कह रही है कि आर यू इग्नोरिंग मी, यस बेटा, ठीक है, कब करता हूं मैं कभी कभी इग्नोर, सॉरी। चलो ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो है, ठीक है, एंड मिनरल एसिड, अरे मजाक कर रहा हूं सोनाक्षी जी, ठीक है, आपको इग्नोर क्यों करेंगे हम, ठीक है, आप तो हमारे बच्चे हो ना। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, तो सोर्स कहां से मिला,
ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब बच्चों कहां से मिला, प्लांट्स और एनिमल से मिला, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल से मिला, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक कौन से होंगे बच्चों, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चों क्योंकि एक क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मतलब ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। विनेगर में एसिडिक होता है, सिट्रिक, ठीक है, पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट मिनरल एसिड, अब मिनरल भी कहीं कौन सा है, सोर्स। हमने क्लासिफिकेशन कैसे करी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि भाई कहां से मिला, ठीक है। तो ये है मिनरल, मिनरल कहां से मिलता है, अर्थ के मिनरल से, मतलब अर्थ के मिनरल में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उन एलिमेंट्स को जोड़कर मिलाकर हम क्या करते हैं, एसिड को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन कॉमन एसिड है जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। फॉर्मुला भी ध्यान रखना, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड भूलते हैं, HNO3। फॉर्मुला याद कैसे रहेगा, बीच में सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, बीच में नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। आई होप आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड नॉर्मली आपके, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो आपके ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं वेजिटेबल्स में, ठीक है, फ्रूट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल एसिड, मिनरल एसिड को हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने एसिड को फिर से डिवाइड किया दो कैटेगरी में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें क्या होगा, एसिड काफी ज्यादा होगा, मतलब दो, जिसमें 98% क्या होगा, ठीक है, वाटर एंड 2% एसिड, ये लिख दिया उल्टा, ठीक है, यहां पे ठीक करना बच्चों। 98% क्या होता है इसमें, एसिड होता है, और 2% क्या होता है इसमें, वाटर होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब भाई जितनी पानी की जरूरत है उतना हो, फालतू नहीं चाहिए, ठीक है भाई, जितना पानी की जरूरत है उतना ही हो, फालतू ना। डाइल्यूट में क्या होगा, भर भर के पानी मिलेगा, 90% वाटर, 10% एसिड, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। एसिड की क्लासिफिकेशन बच्चों अलग अलग तरीके से की जाती है। फर्स्ट कैसे करी, सोर्स कहां से मिला, जैसे गर्लफ्रेंड आपकी बनाते हो तो आपके दोस्त पूछते हैं ना भाई कहां से मिली, वैसी ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि भाई पानी कितना है, पानी ज्यादा है तो डाइल्यूट, पानी बहुत लेस है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। सिंपल एकदम मजेदार, ठीक है, बच्चों वाली चीज है। देख रहो ये एसिड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कितना खतरनाक है, ठीक है बेटा, हालत खराब हो जाएगी अगर गिर भी गया स्किन पे। तो इस वजह से लैब में काफी बच्चे जो होते हैं एसिड से खेलते हैं, तो ये काम नहीं करना बच्चों, गलत बात है। नेक्स्ट डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अब यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, VIP है, जहां VIP बोल दिया ना बेटा उसको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। अब देखो यहां पर ये कहता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी एसिड को डाइल्यूट करो तो क्या करा जाता है, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब जब भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है कि पानी में एसिड मिलाना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, अभी ये नहीं कि भाई एक साथ ले आया और मिला दिया ना, ठीक है बेटा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम, देखो हमेशा बोला जाता है कि एसिड में पानी वाटर नहीं मिलाना, जैसे आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हो, ये देखो ये करेक्ट मेथड है, नीचे पानी है ऊपर एसिड, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ठीक है। पता चले तुमने भाई बाल्टी भर के ले उसके अंदर डाल दिया पूरा, ठीक है, हालत खराब हो जाएगी बेटा, मुंह जल जाएगा, किसी काम के नहीं रहोगे। देखो इसकी तरह रोगे, जैसे रो रहा है ना ये, इसने क्या करा एसिड नीचे लिया और उसमें पानी डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर गलत, देखो यहां पे लिखा कीप स्टीरिंग, ठीक है, आप उसे बार बार क्या करो, घुमाओ। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इस वजह से ऐसा नहीं करना, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप बेटा पूरा चैप्टर मेरा देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओ मेरे चैनल पे और वहां पर देखो मजे से। नेक्स्ट इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी बच्चों हम एसिड को डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जो जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन बोल सकते हैं, और इसका क्या होगा, पार्शियल आयोनाइजेशन, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल दूं मैं आपको, HCl, बेटा HCl को अगर हम लेते हैं, देखो यहां पे एग्जांपल देता हूं, HCl को जब हम क्या करते हैं बच्चों, पानी में डालेंगे, ठीक है, अगर इसके 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए तो ऑलमोस्ट 100 के 100 टूट जाएंगे, 100 के 100 टूट जाएंगे, और ये क्या बनाएगा आपका, पानी में ये बना देगा इस तरीके से आयन, मतलब डिसोसिएशन मतलब टूटना, आयोनाइजेशन मतलब टूटना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन जरूरत नहीं अभी समझने की। इसके बाद है बच्चों एसिडिक एसिड, ये एक वीक एसिड है, ठीक है,
तो अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल लूंगा तो ये सारे के सारे नहीं टूटेंगे, सिर्फ 5% ये टूट पाता ज्यादा से ज्यादा। तो 5 ये बन गया और यहां पर CH3 COO- और 5% ये बन गया, ठीक है 95% ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है तो ये भी हो चुका है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। तो आप देख लो यहां पे कंप्लीट, यहां पे मेन जो लाइन है उस पर फोकस करो, कंप्लीट आयनाइजेशन, बाकी डेफिनेशन पूरी लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है नेक्स्ट द सिंगल एरो इंडिकेट, यहां पर एक सिंगल एरो होता है, देखो एरो वहां पहुंच गया हमारा जो, ठीक है यहां पर जो टाइपराइटर है ना इसका, ठीक है भाई साहब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते करते फुल इसको बनाता है। ठीक है उसको बोला है मैंने बेटा एक काम कर ले, देखो जो ठीक है इस तरीके से जो अपने बाबू सोना से बातें करता रहता ना तो वो इस तरीके से काम करता उल्टे सीधे। तो इसलिए कहता हूं भाई जब काम करो जब पढ़ाई करो तो बाबू सोना को बोल दो कि भाई अभी अभी डिस्टर्ब मत करो मुझे एक घंटा, उसके बाद 23 घंटे बेटा तेरे ही है, जो करना है कर लियो। ठीक है नेक्स्ट सिंगल एरो इंडिकेट दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंप्लीट आयोनाइज। ठीक है सिंगल एरो बताता है कि भाई कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया, ऐसी वीक एसिड में क्या होगा पार्शियल। ठीक है और डिग्री ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि भाई टूटने की टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग। अच्छा इस चीज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब ये नहीं होता कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड है और या डायल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूट में हम पानी देखते हैं, इसमें हमें पानी से कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें तोड़ने से मतलब है। ठीक है अब नेक्स्ट देखो वीक एसिड जिसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चलो हटाओ अब इसको फालतू चीजें। अब प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो देखो क्या क्या होगा। फर्स्ट एसिड कैसे होते हैं बच्चों, सॉल्ट टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, वही सब बातें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें करंट पास कर सके। ठीक है क्यों करंट पास करते हैं, बिकॉज दे हैव आयंस। नेक्स्ट तो यहां पे आप देख सकते हो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। एसिड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक्टिविटी भी है, ठीक है आप ये देख सकते हो एक्टिविटी। ठीक है एक्टिविटी में देखो क्या दे रखा है, जिंक जब हमने एसिड में डाला तो यहां पर गैस इवॉल्व हुई, तो इसको जब हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करा तो इसके बबल्स बने। बबल्स क्यों बनते हैं बच्चों, देखो अरे तुमने वो खेला होगा यार बचपन में, वो होता ना वो कुछ सर्फ एक्सल में डाल के उड़ाते थे, फूंक मारते थे, गुब्बारे बनते थे, ठीक है याद होगा, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका क्या था वो। ठीक है तो वही चीज है, यहां पे आपका क्या होता है सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो जैसी गैस सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास करती है तो ऊपर आती है तो वो क्या होता है बबल्स बन जाते हैं। ठीक है बबल्स बन जाते हैं, अब मूवी में देखा होगा भाई हीरो हीरोइन होते हैं ना, ठीक है उड़ाते हैं फुल एकदम एक दूसरे के साथ। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, अब यहां पर इस तरीके से सॉप के बबल्स बनेंगे। अब ये जो बबल्स है जैसे ही आप बर्निंग मैचस्टिक इसके पास लेके आओगे तो क्या होता है पॉप साउंड के साथ फट जाता है, क्यों क्योंकि बेटा हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल की तरह काम करती है, इस वजह से छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है बस। ठीक है तो ये पूरी एक्टिविटी है। देखो बच्चों डिटेल में पढ़ना है तो आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, काफी डिटेल में इसको इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने। ठीक है बाकी रिवीजन करनी है तो इतना काफी है। नेक्स्ट इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है, अगला पॉइंट है ठीक है कि ऑल द मेटल अबव हाइड्रोजन, ठीक है मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं ना वो सारे क्या करते हैं एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उसके बाद यहां से ये भी वीआईपी है बच्चों, वीआईपी क्या कहता है भाई, कर्ड और दूसरे खट्टी चीजों को हम क्या करते हैं should not be kept in metal vessel, ठीक है यहां से क्वेश्चन बनेगा एक नंबर का ध्यान रखना। ठीक है तो क्यों नहीं रखा जाता बच्चों उसको, क्योंकि आपको पता है एसिड क्या करते हैं, बिकॉज कर्ड और जो दूसरे सोर सब्सटेंस होते हैं वो एसिड उनके अंदर एसिड होता है और एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। अभी तो दिखाई बच्चों ये रिएक्शन एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिड विद मेटल, तो ये पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या है काफी नुकसानदायक है। इस वजह से हम खट्टी चीजों को कॉपर वेसल में ठीक है और ब्रास के वेसल में नहीं रखेंगे क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, पढ़ लेना इसको पूरा रीजन दे रखा है। नेक्स्ट एसिड की जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, तो देखो यहां पे रिएक्शन तो लिख रखी है ये देखो, ठीक है ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप देखो यहां पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है रिएक्शन सिंपल है मैंने आपको समझा रखा है, जिसको बैलेंसी आती है जिसने मेरी पुरानी क्लासेस देखी है उन बच्चों के लिए ये रिएक्शन करना क्या है बच्चों का खेल है। ठीक है बच्चों के लिए बच्चों का खेल है, क्या बात है भाई देख रहे हो। तो देखो यहां पर ये एक्टिविटी आप देख सकते हो, इस एक्टिविटी में आपको दिखा रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब हम इसको लाइम वाटर से पास करते हैं तो ये टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे हाइड्रोजन का टेस्ट, ये पिछली एक्टिविटी में हमने हाइड्रोजन का टेस्ट बताया, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अरे कहाँ गया ये, तो हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। अब मुझे पता करना है भाई कहीं पे गैस निकल रही है, वो हाइड्रोजन कैसे है, उसके आगे बर्निंग मैचस्टिक रख दो, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर देगी। सेम अब मुझे किसी ने बोला कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैसे पता करूं, तो मैंने क्या बोला बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेके आ, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो क्या होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, ये जो सॉल्यूशन होगा व्हाइट मिल्की हो जाएगा। व्हाइट पीपीटी कैसे बनती है, पानी लिया कभी आपने, उसमें दूध की दो तीन ड्रॉप डाल दो, मिल्क होता है ना घर में, तो वो क्या होता है उसे बोलते हैं, वैसा व्हाइट हो जाएगा, वो पीपीटी नहीं है, वैसा व्हाइट हो जाता है सॉल्यूशन यहां पे, क्लियर। तो ये एक्टिविटी भी हो गई। अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये तो चलो ये आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हम नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्वस लिख लेना, ठीक है, मेरा टाइपराइटर पता ही आपको क्या करता है वो। नेक्स्ट उसके बाद देखो 2.6 एक्टिविटी, ये एक्टिविटी क्या कहता है, ये बेस की एक्टिविटी है वैसे, कि जब हमारे बेस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक सॉरी ये तो वही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे है, जैसे बेस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, अभी जो हमने पढ़ी, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है चलो। और यहां पर ये एक्टिविटी कर सकते हो, इस एक्टिविटी को समझा देता हूं, देखो सारी एक्टिविटी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। देखो क्या कहता है, कहता है टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH लो, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ फिनोप्थिलीन, कहता फिनोप्थिलीन डालो, अब यार बेस में फिनोप्थिलीन डालोगे तो पिंक हो जाएगा, ठीक है। कहता व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, कलर क्या होगा सॉल्यूशन का, पिंक होगा बेटा, पिंक, गाना सुना ना, पिंक लिप्स हर पल तुझको करते मिस, हाँ वही वाला पिंक, ये वाला गाना तो तुम्हें याद होगा, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा ना किस साइंटिस्ट ने ये वाली थ्योरी दी थी, अभी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, अभी तुम रोना स्टार्ट कर दो, अरे सर कुछ और पूछो ना, ठीक है, उल्टे सीधे बातों पे ध्यान देता तुम्हारा, चलो कोई नहीं ध्यान दो इधर। कहता ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव, कहता अब इसमें HCl डाल, भाई HCl अगर इसमें डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कहता इज देयर एनी चेंज इन रिएक्शन मिक्सचर, तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा, कलरलेस हो जाएगा भाई वो। कहता व्हाई डिड द फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड, तो एसिड डालने के बाद उसका कलर चेंज क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि वो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ऐसे इसको बेस के साथ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हम बोलते हैं द रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेना भाई, एसिड को जब बेस से रिएक्ट कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोबारा से वही चीज बता रखी है, फालतू चीजें। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, देखो ध्यान रखना है मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, 50,00,000 बार बता चुका हूं, इस बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। बेसिक क्यों है, जो बच्चे पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लिए बच्चों का खेल होगा ये, ठीक है। तो ये बेसिक होते हैं, तो इस वजह से मेटल ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड की, तो वो भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बेस है आपका, ठीक है, और ये आपका एसिड है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह। अब भाई कोई एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड अभी हमने लिया था, कॉपर ऑक्साइड क्या है, बेसिक है, बीकर एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक उसमें डालो स्लोली, ठीक है, वाइल स्टिरिंग। तो कहता है कि नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, कलर देखना आपको, एंड व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके कलर में क्या हो जाएगा, देखो कहता है यू विल नोटिस द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, ठीक है, एंड कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, कॉपर ऑक्साइड उसमें क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, की वजह से उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर, एसिड का बच्चों कोरोसिव नेचर के होते हैं, ये क्यों कोरोसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि जब हम इसमें एसिड कोरोसिव नेचर के क्यों है भाई, क्योंकि जब हम एसिड में क्या करते हैं, एसिड में मतलब किसी चीज पर डालते हैं तो वो वहां पर क्या होता है, ठीक है, उस चीज को बर्न कर देता है, जला देता है, काफी डेंजरस होता है, ठीक है, स्किन के लिए, कपड़ों के लिए, मेटल के लिए, हर किसी के लिए, ठीक है। तो इसमें से बेटा लैब में, केमिस्ट्री लैब में जब भी जाओ तो बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट करने चाहिए आपको, ठीक है। तो यही सब दिखा रखा है कि कहीं पर भी हम उसको एसिड को हमें क्या करते हैं, मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। ये भी VIP बनता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एसिड को मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखते। आपने देखा होगा एसिड को हमेशा ग्लास की बोतल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के यूज तो अब आप खुद पढ़ लेना,
बेसिस, अब बेस को स्टार्ट करते हैं, एसिड यहां पे खत्म हो गया, एसिड की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, आई होप आपको सारी समझ आ गई होंगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वो सब पहले तो वो सब फालतू चीजें थी कि एसिड सॉल्ट ट्रेस्ट होते हैं, दूसरा पढ़ा था कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तीसरा जो रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है, वो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि एसिड जब हमारे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और तीसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टी है, बाकी चौथी रिएक्शन भी मेटल ऑक्साइड है वो भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन थी। तो मेन तीन प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा अगर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया तो। बेस में भी हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमने एसिड में पढ़ी थी सबसे पहला, ठीक है। बेस जो होता है, बेस आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव बिटर टेस्ट, जो टेस्ट में कैसा होता है बच्चों, कड़वा, ठीक है, कड़वा है भाई, कड़वा एकदम। ऑल द बेसिस व्हिच चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है, वही फालतू चीज है। अब देखो अर्लियर कॉन्सेप्ट, हमें देखो केमिस्ट्री की पहले ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो बेस के बारे में हमें इतना ही पता था कि भाई बेस क्या, कड़वी चीज है। अब यार किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसको टेस्ट थोड़ी करेंगे, केमिकल है वो, तो इस वजह से इंडिकेटर्स बनाए गए थे जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, लिटमस, फिनोफ्थलीन और ये सब। तो फिर उसके बाद अरियनस ने बेस के लिए, इसने बेचारे ने एसिड के लिए कॉन्सेप्ट दिया था, बेस के लिए भी इसने ही कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या कहता है भाई, बेस हमारा वो सब्सटेंस होगा जिसको जब हम क्या करेंगे पानी में डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, OH- आयन रिलीज करेगा, ठीक है, OH- आयन रिलीज करता है। तो बेस हमारा क्या होता है बच्चों, जो OH- आयन रिलीज करे वो अपना बेस है। क्लियर बच्चों, क्या इतनी बात सबको क्लियर है, तो चैट पे यस लिखते चलो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, तो यहां पे आपको दिखा रखा है ये इस तरीके से, ये चीज जरूरी है, जैसे एसिड के लिए H+ जरूरी है तो बेस के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, बेस भी हमने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करा दो पार्ट में, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग वो होता है जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है, डिसोसिएशन आपको बता रखा है। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो यहां पे आपका NaOH है, तो NaOH अगर मैंने इसके क्या करे 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो भाई इसके 100 के 100 टूटेंगे और क्या होगा, ऑलमोस्ट 100, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर मैंने तो दूसरी बुक में पढ़ा था वहां तो 98 लिखा था, अबे ऑलमोस्ट है, ठीक है, रोना नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये एक वीक बेस है, तो इसके 100 मॉलिक्यूल लूंगा इसके सिर्फ 5 ही टूटेंगे, ठीक है, तो 5 बनाएगा। तो वीक ये क्या आपका, जैसे वीक एसिड था वैसी वीक बेस में आपको समझना है बस, ये वीक बेस, ये क्या है बच्चों, ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आ गया समझ आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड बेस वही चीजें, ठीक है, जिसमें लार्ज अमाउंट में वॉट क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर का अमाउंट जिसमें बहुत कम हो, और डाइल्यूट बेस क्या होगा, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो। नेक्स्ट, उसके बाद प्रॉपर्टीज है बेस की, बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चों, बेस जो होते हैं हमारे बिटर टेस्ट के होते हैं, अभी देखा था, स्लिपरी मतलब हाथ में लोगे तो स्लिप करते हैं, जैसे पानी को हाथ में लोगे तो क्या होता है, ठीक है। हाँ बेटा, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे भी देखो फुल एकदम एंजॉय करो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, स्लिपरी, स्लिपरी मतलब जैसे सोप, सोप को हाथ में लगाते हो तो फिसलता है ना, वैसी बेस को जब हाथ में लगाओगे तो वो स्लिप होगा। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वॉटर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, अल्कली, ये एनसीईआरटी में ये जो डू यू नो है ना, ये भाई गाना गाने के लिए नहीं है, डू यू नो मैं तेनु किन्ना प्यार करदा, डू यू नो मैं तेरे होते किन्ना मरदा, डू यू नो, ठीक है, तो वो सब नहीं है भाई, ये काम की चीजें होती है, पढ़ लो, इसमें से भी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो पढ़ा करो जितना होता है, मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। तो ऑल द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वॉटर, ठीक है, ऐसे बेस जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है, उसे हम अल्कली नहीं बोलते, अल्कली हमारे वो सब्सटेंस है जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक्टिविटी देख सकते हो, टेक, ये एक्टिविटी क्या बता रही है, टेक 10 ml ऑफ वाटर इन बीकर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दो, ठीक है, एंड स्विल द बीकर स्लोली, टच द बेस ऑफ बीकर, बीकर का बेस चेक करो क्या टेम्परेचर में चेंज आएगा, हाँ भाई बिल्कुल आएगा चेंज। कहता है इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगी। रिपीट द एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम चीज देखेंगे, क्योंकि इस बेस भी क्या होते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, अब देखो एक्टिविटी 2 पॉइंट, ये यहां पर ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया था,
जैसे हमारे एसिड क्या करते हैं बच्चों, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, वैसे ही हमारा बेस, ठीक है, बेस क्या करता है कुछ मेटल के साथ, जैसे एसिड में तो देखा था हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट थे उनके साथ सबके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, ये कुछ सेलेक्टेड, मतलब बेस जो होता है कुछ सेलेक्टेड मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है, जैसे कि जिंक उसमें से एक है, तो जिंक का एग्जांपल ध्यान रखना। और ये कंपाउंड ध्यान रखना, बहुत बच्चे भूलते हैं इसे, सोडियम जिंकेट हम इसे कहते हैं, नाम भी ध्यान रखना और फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद करना है ये सब मैंने डिटेल में बता रखा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, उसमें देख लेना। तो वही यही एक्टिविटी देखो यहाँ पे बता दी है कि भाई जिंक ग्रैनुल्स को जब आप उसमें डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और टेस्ट आपको करना आता ही है। देखो जो 2.3 एक्टिविटी में करा था मेटल के साथ, सेम वैसी टेस्ट यहाँ पे करना है। यूजेस आप खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, मेटल के साथ अभी जो रिएक्शन देखी हमने एक्टिविटी, वही चीज दिखा रखा है यहाँ पे, सेम हाइड्रोजन, मेन है हाइड्रोजन गैस को ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर नॉन मेटल बेस रिएक्शन करता है अगर नॉन मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो इस तरीके से ये क्या कर देगा आपका, ठीक है, सॉल्ट बना देगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सेम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इसके बाद देखो कहता है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, तो सभी एसिड और बेस में क्या चीज कॉमन होती है कि ये क्या कंटेन करते हैं बच्चों, आयंस, ठीक है। और इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार क्या करेंगे बच्चों, बेस को लेके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाएंगे और एक बार एसिड को करवाएंगे, तो हम दोनों चीजों में क्या, दोनों जगह पे क्या देखेंगे कि दोनों ही सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्लियर सिंपल। नेक्स्ट, एक्टिविटी को पढ़ लेना, वही चीज बता रखी है जो मैंने अभी आपको बताया, पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो बेटा बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। नेक्स्ट, नॉलेज बूस्टर में देखो क्या बता रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि एन एसिड और बेस डिसॉल्व इन वाटर स्प्लिट हो जाते हैं आयंस में, और जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है। अपॉन डाइल्यूशन आयन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, आयन सेपरेट हो जाना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, ये भी वीआईपी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो मैंने आपको बताया कोई भी एसिड है तो एसिड एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा, जब वो पानी में, ठीक है, जब वो पानी में होगा तभी वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, भूलना नहीं, ठीक है। तो ये इस पे, इसके ऊपर एक एक्टिविटी दिखा रखी है, हमने क्या करा, सोडियम क्लोराइड को लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को लिया, कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग H2SO4 उसमें डाला, ठीक है, तो ये स्पेस कम है तो इसको यहां लिख देता हूं, NaCl को क्या करा बच्चों, इसने NaCl को H2SO4 में डाला, तो जब ये इसको इसमें डालेगा, ठीक है, तो यहां पे क्या रिलीज होगा, Na2SO4 एंड HCl गैस, ध्यान रखना गैस होगी। तो कहता है जब ये गैस को इस लिटमस पेपर से पास करवाता है तो ये गैस इसके लिटमस पेपर को चेंज नहीं करती, क्योंकि एसिडिक गैस है, क्यों नहीं करती, क्योंकि कंडीशन है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना कि एसिड के एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए वहां पर पानी होना जरूरी है। तो देखो अब इसमें पानी नहीं था तो हमने क्या करा, अब हमने क्या करा, जो लिटमस पेपर था उसको गीला कर लिया। देखो लिखा हुआ है मॉइस्ट लिटमस पेपर, एनसीईआरटी में देखना अगर आपको विजिबल नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर जब ये लेगा तो इसके कलर में चेंज आ जाता है, तो इस तरीके से पता चलता है कि भाई गिवन सब, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि भाई हमारे जितने भी एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टर तब तक शो नहीं करेंगे जब तक उसमें पानी ना हो, तो पानी होना कंपलसरी है एसिडिक कैरेक्टर शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन ऑफ पीएच। अब देखो यार पीएच क्यों आया, पीएच आया क्योंकि इससे पहले क्या था, हमारे इंडिकेटर्स थे, तो इंडिकेटर्स हमें ये नहीं बताते थे कि कोई भी सब्सटेंस हमारा, ठीक है, एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, या बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कितना वीक बेस है, इसके बारे में नहीं बताता था। तो ये पीएच की हेल्प से हमने यहाँ पे पता करना स्टार्ट करा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना, पीएच जो है क्या होता है, पीएच जो होता है ये ध्यान रखना, पीएच जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है H+ आयन के, मतलब पीएच पे जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें H+ आयन उतने कम होंगे, मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आपको देखो पीएच दिखा रखा है, ये इस पीएच में देखो बेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और एसिड की जीरो, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जीरो वाला होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा 14 वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिखा रखे, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ये यूजेस है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये पीएच स्केल में ध्यान रखना 7 वाला न्यूट्रल होता है,
ठीक है, सेवन के बाद वाले बेसिक होते हैं, सब चीजें पता होंगी आपको वैसे, ठीक है, सेवन से कम वाले एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद देखो अगला पीएच स्केल हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, एसिड इन अदर प्लैनेट्स, तो ये सब देख लेना एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को भी देख सकते हो आप, ठीक है। कहता पुट 2 ग्राम ऑफ टेस्ट ट्यूब इन 5 एमएल ऑफ वाटर, शेक द कंटेंट इन टेस्ट ट्यूब, फिल्टर द कंटेंट, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन टेस्ट ट्यूब, चेक द पीएच। तो पीएच आपको चेक करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। अभी मैं आपको समझाता हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो नॉर्मल इंडिकेटर थे, लिटमस, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, टर्म्यूरिक, रेड कैबेज, तो ये सब जो इंडिकेटर्स थे बच्चों, ये हमें ये नहीं बताते थे कि कोई भी सब्सटेंस हमारा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड है, जो मैंने अभी बताया कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें ये बताता था कि कोई भी सब्सटेंस हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये अलग अलग कलर्स को चेंज करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बनाया गया मैनी डिफरेंट डाइस, अलग अलग कलर से मिलाकर ये बनाया गया है। तो ये कैसे शो करता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो यहां पे आप चेक कर सकते हो बच्चों, इसमें जो आपको दे रखा है, ठीक है, अगर आप इसमें चेक करोगे तो यहां पे आपको देखो हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 हमने सातों बीकर में अलग अलग सब्सटेंस को डाल दिया। इसमें क्या करा मैंने, यूनिवर्सल इंडिकेटर की ड्रॉप डाल दी सब में, तो मैंने देखा कि सबका कलर अलग अलग चेंज हो गया। अब इस कलर को मैं मैच करूंगा किससे, पीएच पेपर स्केल से, पीएच स्केल से, तो जिससे इसकी वैल्यू मैच होगी तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इसकी पीएच, जैसे इसकी पीएच रेंज मान लो 1 पे आ रही है, इसकी 2 पे आ रही है, ठीक है, इसकी 4 पे आ रही है, इसकी 7 पे आ रही है, ग्रीन वाला 7 पे होता है, तो इससे पता चल जाएगा कि मुझे कि भाई ये 1 वाला कैसा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, 2 वाला उससे वीक हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों अलग अलग कलर शो करता है। लिटमस, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज जो हमने पढ़े थे उसमें एक ही कलर शो कर रहा था, जैसे लिटमस में रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, बस वो हमें सिर्फ ये बताता है कि भाई गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, भाई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके लिए पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सब इंपॉर्टेंस देख लेना भाई पीएच की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होना चाहिए हमारा, पीएच अगर कम हो जाता है उस केस में, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है हमें। नेक्स्ट, इसके बाद कहता सम टाइम एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन, ओवर ईटिंग, ठीक है, ओवर ईटिंग की वजह से, जैसे पार्टी में जाके ज्यादा खाना खा लेते हैं तो, ठीक है, तो एसिडिटी हो जाती है जिस वजह से, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट कहता है एक्सेस ऑफ एसिड जब स्टमक में जब बनता है तो भाई एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस खाते हैं, तो उसके पीएच को मेंटेन करना पड़ता है हमें, तो पीएच का ये यूज है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो आपकी एसिडिटी इधर इस लेवल पे चली जाती है, हमें इसको न्यूट्रल बनाना होता है, तो इस वजह से इसमें बेस डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है द स्टमक रेस्टिंग पीएच लेवल इज 4 to 5 After high protein meal, तो ये पहुंच जाता है 1 to 2, ठीक है, बहुत खतरनाक। Next, digestive system का हो गया, ठीक है, तो इस time पे हम क्या लेते हैं, milk of magnesia, sodium hydrogen carbonate, baking soda, ये weak, ये ध्यान रखना, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि acidity हो जाती है तो क्या खाएं, भाई बेस खाएं, बेस भी कौन सा खाएं, वीक बेस, पता चले सोडियम हाइड्रोक्साइड खा लिया वैसे ही मर गया बंदा, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वीक बेस लेने बेटा, ठीक है, डॉक्टर से पूछ के, खुद डॉक्टर नहीं बनना, पता चले एसिड बेस चैप्टर पढ़ के खुद ही हीरो बन रहे हैं, भाई मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है, ज्यादा निम्बा निब्बी की तरह उड़ना नहीं है बेटा। टूथ डीके में भी सेम यही प्रॉब्लम होती है, अगर पीएच लेवल माउथ का 5.5 से नीचे चला जाए तो उस केस में भी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से जो आप ब्रश करते हो तो क्या होता है, उसमें बेस होता है, ठीक है, वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके दांत एकदम मस्त चमक जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कैविटी किस तरीके से बनती है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से व्हाइट स्पॉट आपको दिखेगा, एनेमल में जाता है इस तरीके से, ये आपका यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका दांत खत्म, देख रहे हो फाइनली। ज्यादा डिटेल में बच्चों हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। पीएच सॉइल और सॉइल की ग्रोथ के लिए भी होती है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है। नॉर्मली हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो कहां पर होता है, कब होता है, वो तभी हो पाता है जब हमारी न्यूट्रल रेंज हो, ठीक है, सॉइल कैसी हो, न्यूट्रल हो। तो सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए अगर एसिडिक है, ठीक है, अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, बेस डालते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से सॉइल आपकी, ठीक है, आपको क्या करना है, उसकी पीएच लेवल को चेक करना है कि भाई सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक होगी तो बेस डालना है, बेस होगी तो एसिडिक डालना है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, हनी बी और यहां से भी क्वेश्चन बनता है, हनी बी और ये क्या करती है, ये जब आपको काटती है तो आपकी बॉडी में क्या कर देती है, ये फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देती है, ठीक है। अब ये फॉर्मिक एसिड जो होता है
ठीक है, ये काफी इरिटेशन और पेन क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पे हमें बेस को रगड़ लेना है जब भी ये काटती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, ये क्या इंजेक्ट कर देती है, एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, इसी को हम मिथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बच्चे कहते हैं सर आपने तो गलत बताया, ठीक है टीचर ने तो मिथनोइक एसिड बताया, बेटा एक ही चीज है मिथनोइक एसिड, ठीक है। तो मिथनोइक एसिड भाई, अब इसने क्या करा, ठीक है, बी ने आपके हाथ में काट लिया तो आपको पेन होता है, क्यों? क्योंकि इसने एसिड रिलीज कर दिया स्किन में। तो आपको क्या करना है, बेस लेके उसको रगड़ देना एकदम। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ये कुछ तो न्यूट्रलाइज, देखो यहां पे क्वेश्चन बनता है, जो वास्पिंग है, वास्टिंग जो होता है उसमें बेस होता है, और जो आंट बाइट होता है उसमें एसिड होता है। तो पता चले आपने इसमें क्या कर दिया, यहां पर जब इसने, ठीक है, इसने आपको काटा और आपने ऊपर से बेस और रगड़ दिया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना काटा किसने ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेस है तो इसके इसके ऊपर क्या डालना है आपको, वेनेगर डालना है या लेमन जूस, नींबू भी निचोड़ सकते हो, ठीक है। अगर ये काटेगी तो इस पे बेकिंग सोडा लगा देना। चलो तो यहाँ पे ये चीज भी हो चुकी है। सोल्ट, सोल्ट अब देखो लास्ट टॉपिक रहेगा सोल्ट। सोल्ट क्या होते हैं, सोल्ट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं तो ये बनते हैं। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो आपके घरों में इस तरीके से सोल्ट आता है, तो यही सोल्ट है पहला हमारा जो हमें डिस्कस करना है। अब देखो सोल्ट भी बच्चों अलग अलग तरीके के होते हैं, न्यूट्रल सोल्ट भी होता है, एसिडिक सोल्ट भी होता है, और बेसिक सोल्ट भी होता है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे बनते हैं डिटेल में पढ़ना है तो बच्चों प्लेलिस्ट पे जाओ, एसिड बेस एंड सोल्ट मेरे चैनल पे देखो, वहां पे आपको पूरा चैप्टर दे रखा है डिटेल में, ठीक है, सब कुछ बता रखा है। तो देखो यहां पर फर्स्ट कॉमन अच्छा यहां पर बच्चों ये रिएक्शन गलत लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। NaOH प्लस HCl, यार बच्चा बच्चा जानता है इसकी रिएक्शन दो, तो NaCl प्लस H2SO4, तो एग्जाम में ये लिखनी है। NaCl को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये जो आपका घर में नमक होता है ना वही है ये, और ध्यान रखना कॉमन सोल्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉमन सोल्ट कॉमन नेम है, सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली ऑफ सोल्ट देख लेना एक बार इसको, नेक्स्ट कॉमन सोल्ट का एग्जाम्पल भी देख लेना, ठीक है, अब ये सब आपको एक्टिविटी पढ़ लेना एक बार खुद। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन देखना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें डालते हैं तो NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। बच्चों ये ध्यान रखना एग्जाम में ये पूछ लेता कभी कभी डायरेक्ट कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, बच्चों ने ये तो याद होती है बच्चों को बट ये नहीं पता होता कि ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है। क्यों क्लोर अल्कली बोलते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें देखो ये अल्कली बना और एक क्लोरीन बन गया, ठीक है, तो इसमें से हम इस रिएक्शन को क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यूजेस देख लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लेना एक बार। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की तीनों रिएक्शन याद होनी चाहिए। पहले स्टेप में NaHCO3 बनता है, डिटेल में पढ़ना है तो ठीक है प्लेलिस्ट पे जाके देख लो। उसके बाद इस सब्सटेंस को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होता है, फिर इसको उठाते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाते हैं, तो ये हमारा फाइनली प्रिपेयर होता ही है, ये अपना होता है वॉशिंग सोडा। ध्यान रखना फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, ठीक है। तो ये इसकी ये देख सकते हो आपके घरों में इस तरीके से वॉशिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल की जैसे नमक होता है ना वैसा ही होता है। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज अल्कलाइन विच टर्न, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है, इस वजह से ये लिटमस पेपर के कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से पहली बात तो देखो, अब बच्चे रोते हैं कहते सर इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद करें, अबे ये तो वही रिएक्शन है ना जो हमने वॉशिंग सोडा में पढ़ी। अभी देखो वॉशिंग सोडा का पहला स्टेप सेम टू सेम प्रिपरेशन है किसकी, बेकिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप सेम टू सेम लिख देना है, एक भी चीज हिलानी नहीं है। तो यहां देखो NaHCO3 प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है प्रॉपर्टीज देखो। अब प्रॉपर्टीज में भी एक्शन ऑफ हीट देखो, वही रिएक्शन जो वॉशिंग सोडा में पड़ा था, ठीक है सेम वही है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है ये। उसके बाद इसके यूजेस से क्वेश्चन बनते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे केक में देख रहे हो फुल क्या हुआ है, इसने इतना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और हमें देखो हम बर्थडे पे भी क्लास ले रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इससे सीखो, इसकी तरह बर्थडे मनाया करो, कितने तैयार हो गए, रेडी वेडी हो गए हम, भाई पजामे और टी शर्ट में ही मना लेते हैं अपना बर्थडे, ये एकदम फुल एकदम ठीक है जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है।
देखो यूजेस, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, यूजेस एग्जाम में आते हैं। पहला ये एसिडिटी को रिमूव करता है, इस वजह से एज एन एंटासिड यूज होता है, ध्यान रखना। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस है, ध्यान रखना। इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्लियर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में इस तरीके से यूज किया जाता है, इसका ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। यहां से यूजेस से भी क्वेश्चन बनता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन को ध्यान रख लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन डालते हैं तो आपका ये बनता है। देखो इसको कैसे याद रखना है, कई बार बता चुका हूं, इसको खोल दो, खोल के बेटा क्या कर दो, इसमें से पानी, इसमें से वाटर निकाल दो, इसमें से पानी चला गया बेटा, कुछ नहीं करा, इसको खोल के ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से पानी चला गया तो क्या बता, CaO, अब ये क्लोरीन है तो इस क्लोरीन को यहां लगा दो, बन गया ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल प्रिपरेशन, सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इसके भी यूज से क्वेश्चन बनेगा। देखो इट इज अ व्हाइट पाउडर, गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है, इस वजह से एज एन डिसइंफेक्टेंट भी ये यूज होता है। स्विमिंग पूल में जाते हो बेटा आजकल, तो वहां पर क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ठीक है। और यही चीज बच्चों, जब अभी कोरोना चल रहा था तो उसमें आप जो हम क्या करते थे, सैनिटाइज कर रहे थे, तो वो किस तरीके से कर रहे थे, पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल रहे थे। ब्लीचिंग पाउडर की, क्योंकि क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, ये बैक्टीरिया वायरस इनको किल कर देता है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक है, ठंडे पानी में भी घुल जाता है ये। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, क्लोरीन गैस ये रिलीज करता है जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। आप देखो इसको इस तरीके से घर में यूज भी करते हैं, आप देख सकते हो बच्चों, ये जो दो क्लोथ है ब्लीच करने के बाद क्या है, देखो ये पूरा चमक गया। शायद आपको स्क्रीन की वजह से थोड़ा डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत आ रहा होगा समझ। ये थोड़ा सा येलोइश है, ये थोड़ा सा येलो कलर है, ठीक है, और ये पूरा वो, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या टेंडेंसी होती है, वो कलर को निकाल लेता है कपड़े से। जैसे अब ये शर्ट, टी शर्ट आपको दिख रही है पिंक है, अगर मैंने इसको ब्लीच कर दिया ना तो बेटा इसका सारा रंग उड़ जाएगा और ये सफेद हो जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये एक्शन होता है। इस वजह से आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स कभी भी घर में ब्लीच लाते हैं तो ब्लीच से व्हाइट कपड़ों को धोते हैं, ठीक है, कभी पूछना भाई अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है एज एन डिसइंफेक्टेंट, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी यूज होता है। तो आप देख सकते हो स्विमिंग पूल में इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर को डाला जा रहा है पानी मिला के, ठीक है। तो ये क्या करता है, ठीक है, अब आपको पता ही है भाई, कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में ही, ठीक है, गंगा बहा देते हैं अपनी, तो वहां उन बच्चों के लिए ये ध्यान में रख के डाला जाता है, क्योंकि वो गंद ना मचाए पानी में, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस क्रिएट ना हो, तो इस वजह से ये इसको किल करेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन से बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब पानी, ठीक है, तो ये हो गया। तो ध्यान रखना इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा, ध्यान रखना क्वेश्चन जो वीआईपी है, ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, ये 11 नहीं है भाई, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल है, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है, ठीक है। तो इस वजह से यहां से वीआईपी, जहां वीआईपी लिख दिया ना बेटा, ये गारंटी है मेरी, बोर्ड एग्जाम में जहां जहां वीआईपी लिखा ना, वहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, गारंटी है, लिखवा लो अभी, लिखवा लो, ठीक है, कोरे पेपर पे साइन करवा लो अभी, रेडियो में करने के लिए। क्या कहता है, देखो, पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, क्लियर। क्यों किया जाता है बच्चों, इस वजह से पीओपी क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम हार्ड सब्सटेंस बना देता है, फिर उसका कोई यूज नहीं होता। इस वजह से पीओपी कभी भी लेके आओ ना बच्चों, तो ध्यान रखना वो एक प्लास्टिक के कंटेनर में होती है, ठीक है, क्योंकि वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके हार्ड सब्सटेंस बना देती है, जिसका कोई यूज नहीं होता फिर। नेक्स्ट, तो इस तरीके से देखो घरों में भी लगाई जाती है, ये देखो ऊपर पीओपी करा रखी, एकदम मस्त मजे से सोएगा ये, ठीक है, बच्चा आके जो भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूजेस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दे रखा है। नेक्स्ट, आप देखो पीओपी इसका फ्रैक्चर में भी यूज होता है, ठीक है। अब जैसे यार ये अमीर लोग है अपने, ठीक है, शाहरुख दुनिया का रिचेस्ट एक्टर में से एक, अब भाई देखो इसका, इसको फ्रैक्चर हो गया, अब लग ही नहीं रहा, ये तो ऐसे लगता है भाई सब कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, है ना, अपने आप फ्रैक्चर लगता है तो भाई घर वाले कहते हैं तू एक महीना नहीं नहाएगा, ठीक है, यहाँ देखो बेचारा लग रहा है एक महीना ना नहाए, ये तो ऐसा लग रहा है भाई हर सेकंड में नहाए, ये तो
ठीक है। चलो भाई तो जोक से आगे चलते हम लास्ट टॉपिक वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो बच्चों हमारे दो तरह के सोल्ट होते हैं, एक होता हाइड्रेटेड सोल्ट, एक होता है एनहाइड्रस सोल्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड सोल्ट में कोई हम क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं इसका, जैसे वॉशिंग सोडा Na2SO4 10H2O, ऐसी अभी पड़ा था POP, तो जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट। एनहाइड्रस सोल्ट क्या होगा, NaCl। भाई पानी दिख रहा है साथ में, नहीं दिख रहा। NaHCO3 पानी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। भाई यहां पर देखो एक और एग्जांपल दू, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, साथ में वाटर मॉलिक्यूल जरूर होगा, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब जिस क्रिस्टल में वाटर प्रेजेंट होगा उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल दिखा रखा है कि वाटर के होने से सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में काफी चेंज आता है। देखो 5 वाटर मॉलिक्यूल थे तो इसका कलर कैसा था, ब्लू। अब मैंने इसको हीट करा, हीट करने के बाद क्या होगा, इसका वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया तो क्या बच गया, सिर्फ कॉपर सल्फेट। उसकी वजह से देखो कलर में कितना चेंज आ गया, मतलब वाटर होने से भी काफी फर्क पड़ता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज हमने क्या करा, एक पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ये लेक्चर उन्हीं बच्चों को समझ आगे आया होगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो आगे ऐसी बच्चों अब हम मेटल और मेटल और आगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया तो बेटा शेयर कर दिया करो, और जो बच्चे बाद में देखते हैं तो कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा लगा आपको लेक्चर। और साथ ही साथ कुछ टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, उसको जाके उसे फॉलो कर लो, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।